अभी चालू चलिए हुआ। तो ये चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। तो ये पहला चाबी है क्योंकि इसमें चाबी चेंज हुआ है जिसकी वजह से लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका लॉक सेट का प्रॉब्लम था। ये भी देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला स्कैन प्लस के अंदर ही एक अलग से ऐप डाल के दिया जाता है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कनेक्टर है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें लाइन आ गई है। फिर मैं यहाँ पे जाके, इससे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन ऑन हो, ठीक है। तो ये मैंने वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन किया, यहाँ पे डायग्नोसिस में गया। अभी इसको ब्लूटूथ सेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ ब्लूटूथ में जाना है, यहाँ मोड सेटिंग में ब्लूटूथ पेयर करना होगा पहले आपको। तो ये ब्लूटूथ आ गया, इसको हम पेयर कर लेते हैं। चाबी ऑन रहना चाहिए हमारा, चाबी ऑन है, ठीक है। अब ये ब्लूटूथ पेयर हो गया, ठीक है। इस नाम से हमारा डिवाइस है ब्लूटूथ, ये वाला, ठीक है। अब इसको सारा बंद करके वापस से ये ऑन करते हैं, डायग्नोसिस में जाते हैं। एक बार और ब्लूटूथ का सेटिंग करना पड़ेगा शायद से, जिसकी वजह से फेल हो गया। फिर यहाँ पे सॉरी बैक ब्लूटूथ सेटिंग यहाँ पे आना चाहिए, टिक यहाँ पे रहना चाहिए। अब बैक जाते हैं, अब यहाँ पे डायग्नोसिस पे क्लिक करें तो देख सकते हैं अभी हमारा काम होने लगा, फॉर्मेट डाउनलोड हो रहा है। एक बार वापस से क्लिक किए, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार हम नेटवर्क सही कर लेते हैं अपना, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन है हमारा, यहाँ से हम हॉटस्पॉट ऑन एक बार और चेक करते हैं। कनेक्टेड है डायग्नोसिस, कनेक्शन फेल्ड। मैं तो लगता है दूसरा वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन यूज़ कर करना पड़ेगा, यहाँ से बंद करके दूसरा मैं हॉट स्पॉट यूज करता हूँ। मैं हमारा दूसरा कनेक्ट हो गया, वापस से इसको ओपन किया और सेटिंग में गया, ब्लूटूथ में गया, यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। इसको ओके किया, डायग्नोसिस पे क्लिक किया, ये फॉर्म मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। डेटा लोड हो रहा है, एक्टिवेट पहले करना पड़ेगा, एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो गया, अब डायग्नोसिस पे क्लिक करते हैं। अब हमको महिंद्रा में जाना है, स्पेशल फंक्शन में जाना है, ओके करना है। अभी आप रीडविन में जाके देखेंगे तो ईमो में दिखा क्या दिखा रहा है आपको, देखिए इनवैलिड है। ईएमएस में दिखा रहा है आपको ये, तो हमको राइट करना है, ठीक है। बैक गए, राइट में गए, राइट विन ये आ गया पूरा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे यस कर दीजिए तो विन राइट हो गया। फिर हम रीड करते हैं, यहाँ पे जाके ईमो में रीड करते हैं, तो ये आ गया विमो में और ये इसमें आ गया। तो इस तरह से दोनों में विन नंबर राइट हो गया है। एक बार फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं बैक, इमोलाइजर पे क्लिक करते हैं, वैकिल में जाते हैं
ऑटो आइडेंटिफाई करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ से हम की प्रोग्रामिंग में जाएंगे, ओके करेंगे। फेल हो रहा है, ठीक है। ईमो सिंक में जाएंगे, टू की पे क्लिक करेंगे, बलेरो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेकेंड की एंटर नहीं सोना, यानी कि चाबी चेंज करना है। ये निकाल लिया, ये चाबी लगाया, इन्हें सोन ऑन किया, फिर यहाँ पे ओके किया। सक्सेस हो गया। दो मिनट के स्विच ऑफ करना है, उससे पहले हम यहाँ पे जाके डीटीसी कोड क्लियर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे डीटीसी कोड क्लियर कर लेते हैं, क्लियर हो गया, इसको बंद कर देते हैं और दो मिनट के लिए हम इग्निशन ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे दो मिनट पूरा होगा हम आपको फिर दिखाएंगे कि इग्निशन ऑन। तो दो मिनट हो गया, हम दोनों चाबी लगा के देखते हैं कि दोनों चाबी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं गाड़ी, ठीक है। तो ये हमने चाबी लगा, इग्निशन ऑन किया। अभी देखिए यहाँ का इंजन लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गया। अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गया एक चाबी से, ठीक है, बंद कर लिया। बस दूसरी चाबी से स्टार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गया। तो इस तरीके से दोनों चाबी का हमने बोलेरो पिकअप 2019 मॉडल का स्कैन प्लस में एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाला हुआ, उसकी मदद से कोडिंग किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।